हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एंजॉय समिट। सो आज हम दोबारा से नई यजदी के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था यजदी स्कैमलर दिखाई दीजिए, अब मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कि यजदी रोस्टर कैसी लगती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बाकी मैं आया हूँ जावा स्वाति मोटर साकेत में। अगर आपको बाइक बुक कराने तो जल्दी जल्दी आप आके अपनी बाइक को बुक करा सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके आप डिलीवरी ले सकते हैं। सो चलिए आज हम बात कर लेते हैं यजदी रोस्टर की। कुछ ऐसी लगने वाली है आपकी यजदी रोडस्टर। आप बोल सकते हैं कि कुछ कुछ ये जावा से मिलती जुलती है, जावा 42 से। बाकी काफ़ी सारे इसमें चेंजेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम आपकी बात कर लेते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आपको देखने के मिलेगी LED हेडलाइट, जो कि ऑन होने के बाद ऐसी दिखेगी। और ये आपका लोगो में जल रहा है। बाकी आपके सामने इसमें फ्रंट में आपको यजदी का इसमें लोगो मिल जाएगा। बाकी ये आपकी ऊपर की हाई बीम हो गई, जो कि ये स्टार्ट होने के बाद दिखेगी। शोकर्स के साथ में आपको यहाँ पे प्लास्टिक की कुछ बॉडी मिलेगी, जिससे कि एक ओवरऑल लुक यहाँ से भरा भरा मिलेगा। और ये जो आप विंडशील्ड देख रहे हैं जावा 42 में 2.1 में आपको यहाँ पे देखने को मिलती थी, वैसी इसमें विंडशील्ड दी गई है। तो पहले वाली बाइक से आपको इसमें शोकर भी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। बाकी शोकर वही कंपनी गैब्रियल के ही आते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इसके टायर और डिस्क ब्रेक की। सो यजदी रोडस्टर का जो टायर साइज़ है 190/18 सेक्शन का टायर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो टायर है वो ट्यूबलेस है, क्योंकि यार रोडस्टर में आपको यहाँ पे यहाँ देखने को मिलेगा अलॉय व्हील, जो कि जावा 42.1 में आपको देखने को मिलता था। और इसके जो डिस्क का साइज़ है वो है 320 mm, जो कि यार काफ़ी बड़ा है अपनी बाइक के हिसाब से। पहले वाली जो जावा में आता था वो काफ़ी छोटा था। इससे बाइबर के आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे देखने को, जो कि इससे आपकी ओवर ब्रेकिंग अच्छी हो गई होगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार डिस्क का साइज़ बड़ा हुआ है तो ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई होगी। अब हम इसके इंडिकेटर्स की बात करते हैं। इंडिकेटर्स बिल्कुल जैसे जावा 42.1 में आते थे, मैट ब्लैक कलर के, वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। और रेडिएटर ग्रिल आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्क्रैम्बलर में दिखाई थी वैसे ही आपको यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल मिलेगी। रेडिएटर मिलेगा पहले वाली 42 से यहाँ पर चेंज है। सो कुछ ऐसी लुक मिलेगी आपको यहाँ पे रेडिएटर के यहाँ से देखने में। ऐसी आपको की देखने को मिल जाएगी, जिस पे कि यहाँ पे यजदी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी आपको। और टैंक का जो लुक है साइड से यजदी के लोगो, और बाकी आपको यहाँ पे थाई पैड मिलेंगे। इसका भी जो लुक है टैंक का, यहाँ पे आपको थाई के लिए सपोर्ट मिल जाएगा अच्छा खासा, जिससे कि आप अपनी थाई से इस बाइक को सब ग्रैब कर सकें। आपको यजदी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा यजदी मोटरसाइकिल ट्राइब। सो ऐसी यहाँ पे इस टाइप मिलेगी आपको यहाँ पे, और यजदी का जो है लोगो मिलेगा देखने को। और जो इसका टैंक है वो है 12.5 लीटर का, 12.5 लीटर का। स्क्रैम्बलर से इसका 0.5 लीटर टैंक बड़ा है। तो मैं एक बार आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ जो इसका हैंडल बार है वो पहली वाली जावा 42 से काफ़ी अप साइज़ में है। सो आप इसको एक तरह से क्रूज़र भी लगा सकते हैं, क्योंकि यार मुझे जो बैठने में फील आ रही है आप इसका देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बैक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो राइडर को काफ़ी लॉन्ग राइड पे भी यहाँ पे आपको बैक सपोर्ट मिल जाएगा, लॉन्ग राइड के लिए आपको इजी रहेगा। और जो इसका हैंडल बार है वो थोड़ा सा अप साइज़ है पहले वाली जावा 42 से। सो काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगी ये चलाने में। पहले वाली बाइक का थोड़ा सा आगे रहता था, जो कि क्योंकि मैं चलाता हूँ हमेशा तो मुझे एकदम बैठते ही फील हो गया। आप बाइक को ऑन करेंगे आपको हाई मिलेगा, और कुछ ऐसा इसका यहाँ पे LCD मीटर आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। ऐसी आपकी यहाँ पे बैठ कर लुक आएगी। इसका की जो है आपको बिल्कुल जैसे जा 42 में मिलता था साइड से मिलेगा। आप जब बाइक ऑन करते हो तो आपको बाइक ऑन करने पे हाई लिखा हुआ मिलेगा। और इसका जो पूरा आपको मीटर है वो LCD पैनल मिलेगा, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। बाकी जो नॉर्मल न्यूट्रल, पेट्रोल, ABS और बैटरी और सर्विस का जो आता था वो है ही है। बीच में आपको डिजिटल LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपकी किलोमीटर, RPM और ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, गियर का आपको इसमें यहाँ पे देख रहे हो कि इंडिकेटर मिलेगा, अभी 0 गियर पे है। आपका फ्यूल इसमें कितना है कितना नहीं है, साइड स्टैंड का लोगो। बाकी इसमें आपको यहाँ पे कोई मोड देखने को मिलेगा, इसमें सिंगल मोड आता है जो कि रोड मोड आता है, क्योंकि स्क्रैम्बलर और एडवेंचर में जो है 3 मोड आते हैं, लेकिन इसमें आपको सिंगल मोड देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे आपको यजदी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जैसे कि यार जावा में आपने देखा था काफ़ी सारी ब्रांडिंग भी देखने को मिलती थी, ऐसे ही यजदी में भी आपको जगह जगह पे इसकी ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बाकी इसमें आपको हैज़र्ड का बटन मिलता है, ये आपको हैज़र्ड है। सो नॉर्मल इसके होलोजन वाले इसके इंडिकेटर आते हैं, सो
हैज़र्ड का बटन यहीं से ऑन होगा, यहीं से ऑफ़ होगा। बाकी ये जो आपके नॉर्मल बटन थे वैसे देखने को मिलेंगे, ऑन ऑफ के, सेल्फ स्टार्ट। और यहाँ पे आपको ज़रूर यहाँ पे मीटर में कुछ फंक्शंस चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बटन मिल जाते हैं। और बाकी इधर आपका जो है हाई बीम लो बीम का बटन है, ये इंडिकेटर्स के और ये हॉर्न के क्वालिटी बिल्कुल सेम है। बाकी जो आपके यहाँ पे ग्रैब करने के लिए रबड़ है, यहाँ पे एसडी का लोगो है जैसे पहले वाले में जावा मिलता था। और बाकी ये जो बार एंड मिरर हैं इसके बिल्कुल 42 जैसे हैं। सो कुछ ऐसी है बाइक आपकी आगे से दिखने में। तो इंजन की बात कर लेते हैं, इंजन आपको 334 सीसी का मिलेगा। इंजन में थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंशिएट है क्योंकि वो बाइक थोड़ी सी अलग तरह से पावर की गई है, ये बाइक थोड़ी सी अलग तरह से पावर की गई है, एडवेंचर जो है वो थोड़ी सी अलग पावर करी गई है। सो इसमें जो आपको मिल जाता है 29.7 bhp का आपको इसमें पावर मिल जाती है और 29 Nm का इसमें टॉर्क मिल जाता है। सो कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ से लुक मिलेगी। जो इसका ये वाला पैनल है वो एसडी जैसा नहीं है, वो जावा जैसा ही है। आप इसमें देख सकते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर का कुछ ऐसा लुक है और जो इसका कवर है वो कुछ अलग दिया गया है। सो कुछ ऐसे आपको एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएंगे जैसे नॉर्मल आपको 42 में देखने को मिलते थे, बाकी सेम टू सेम ही है। थोड़ा सा इसका जो फुट रेस्ट है वो चेंज करा गया है, आपको ब्रेक पेडल वही मिल जाता है, पीछे वाला फुट रेस्ट भी बिल्कुल सेम मिलेगा। इधर आपको रोडस्टर की यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी जो कि देखते ही आप बता दोगे कि यार रोस्टर है। बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि सीट यार काफ़ी अच्छी कर दी गई है, पहले वाली सीट में आपको पता ही है कितनी ज़्यादा कमियां थी, बिल्कुल भी यार वो हाईवे के हिसाब से सीट नहीं थी। सो ये वाली जो सीट है आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलेगी और पीछे वाली जो इसकी पिलियन वाली सीट है वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। साथ में आपको बैक रेस्ट भी लगा हुआ मिल जाता है जो कि काफ़ी कम्फर्टेबल आपको देखने को, और काफ़ी अच्छी लुक लग रही है इसकी जो कि आप देख सकते हैं, क्योंकि यार आगे वाले राइडर को भी यहाँ पर थोड़ा सा बैक सपोर्ट मिल जाएगा जिससे कि लॉन्ग राइड पर ये बाइक चलाने में ईजी रहेगा। तो इसके शोकर हैं यार वो पहली वाली जावा से काफ़ी अलग हैं, सो ये चेंज कर दिए गए हैं। और इसकी जो हाइट है मुझे ज़्यादा दिख रही है क्योंकि यार इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बढ़ा दी गई है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 175 mm है और जो सीट हाइट है इसकी 790 mm होगी, क्योंकि यार पहले वाली जो बाइक थी वो 765 mm थी जो काफ़ी लो थी। इसकी सीट भी मोटी हो गई है, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ी है, तो इस वजह से इसकी जो सीट हाइट है वो भी बढ़ गई, 790 mm हो गई है। ये वाली बाइक यार वही जो पहले वाली कंप्लेंट थी, 6 feet से अब वाले राइडर इसको थोड़ा सा चलाने में दिक्कत करेंगे क्योंकि यार जो इसकी आप देख सकते हैं यहाँ ब्रेक पेडल वगैरह की जो पोजीशन है वो थोड़ा सा पीछे है, तो 6 feet या अब हाइट वाले बंदे थोड़ा सा इसमें दिक्कत करेंगे। बाकी जो स्क्रैम्बलर और एडवेंचर 6 feet से अब वाले बंदे भी आराम से चला सकते हैं। जो पहले वाली बाइक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारा टायर और मडगार्ड के अंदर यहाँ पे गैप देखने को मिलता था, काफ़ी सारे कमेंट आते थे मेरे पास यार वो अच्छा नहीं लग रहा, सिंगल सीट भी लगाई थी मैंने जब। सो ये वाला जो गैप भरने के लिए यहाँ पे एक चक्का कुछ और यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया गया है जिसमें कि आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलेंगे, और जो अप साइड से देखने में यहाँ पे बाइक में आपको टायर और मडगार्ड के बीच में बिल्कुल भी गैप देखने को नहीं मिल रहा है। तो पीछे वाला डिस्क भी आपको इसमें बाइबर का मिलेगा 240 mm का जो कि बड़ा कर दिया गया है, और अलॉय व्हील देख सकते हैं आप इसमें यजदी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और जो पीछे वाला टायर का जो इसमें साइज़ है वो 130/80/17 है, तो पीछे वाला टायर भी जाओ 42 से मोटा देखने को मिलता है 10 नंबर। सो कुछ ऐसी लुक आपकी यहाँ से आएगी देखने को। बाकी मैं बाइक आपको पीछे दिखाता हूँ, बैक रेस्ट देखने से कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ एक लोगो यहाँ पे लगा हुआ है शायद से चेकोस्लोवाकिया का यहाँ पे लोगो दिया हुआ है, और यजदी की ब्रांडिंग अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सीट में। बाकी इसकी जो LED टेल लाइट आपको देखने को मिल जाएगी जो कि कुछ ऐसी लगेगी, और इंडिकेटर नॉर्मल जो हेलोजन वाले थे वो कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, और टायर आप देख सकते हो पीछे से देखने में कैसा लग रहा है। सो गाइस अब हम रोस्टर का एक बार साउंड नोट सुन लेते हैं कैसा है इसका, जो एग्जॉस्ट नोट है जावा से डिफरेंस है या फिर सेम है। तो बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसका भी जो हैंडल की पोजीशन है वो काफ़ी ऊंची है जावा के मुकाबले, और बाइक को जब भी की से ऑन करें तो 3-4 सेकंड का उसे टाइम दे दें क्योंकि जो इसका फ्यूल इंजेक्टर है वो अपना काम कर देता है, उसके बाद बाइक को स्टार्ट करें। एस
एसडी रोडस्टर का अगर मैं साउंड की बात करूँ तो जावा से बिल्कुल हूबहू सेम है, मिलता जुलता है, कोई भी इसमें साउंड में फ़र्क नहीं है क्योंकि जो एग्जॉस्ट है इसका बिल्कुल सेम है। सो गाइस ये थी एसडी रोडस्टर और ये कहाँ पे आपको मिलेगी, ये आपको मिलेगी जावा स्वाति मोटर साकेत में। आप जल्दी जल्दी आके अपनी बुकिंग करा सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके आप अपनी यहाँ से डिलीवरी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी एसडी एडवेंचर। सो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दें। सो जल्दी हम इसकी टेस्ट ड्राइव भी लेंगे और आपको बताएंगे कितना फ़र्क है बाइक चलाने में। सो आपको होप सो ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।